नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और कुछ अहम खबरों का। झांसी जिले के मोड ब्लॉक में आज ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष बरजोर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम रोजगार सेवकों ने मोड खंड विकास अधिकारी को रोजगार सेवकों के अधिकारों के हनन के मामले में एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला मोड ब्लॉक कार्यालय का है, जहां रोजगार सेवक के जिलाध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में दर्जनों रोजगार सेवक खंड विकास कार्यालय पहुंचे, जहां रोजगार सेवकों के अधिकारों के हनन के संबंध में एक ज्ञापन मोड खंड विकास अधिकारी को देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, नए प्रधानों को गुमराह कर रहे हैं कि बिना रोजगार सेवक के मनरेगा कार्य हो सकते हैं, जबकि शासन आदेश है कि ग्राम रोजगार सेवक के बिना मनरेगा में कोई भी कार्य नहीं हो। डिमांड एवं मस्टर रोल पर रोजगार सेवक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। मस्टर रोल ग्राम रोजगार सेवक द्वारा ही भरा जाएगा और MB उन्हीं कार्यों की होगी जिन मस्टर रोल पर ग्राम रोजगार सेवकों के हस्ताक्षर होंगे। ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि डिमांड बिना रोजगार सेवक की ना लगाई जाए, मास्टर रोल बिना रोजगार सेवक के नहीं भराया जाए, मनरेगा का ग्राम निधि में अभिसरण कराया जाए जिससे सभी ग्राम रोजगार सेवकों का उत्पीड़न एवं अधिकारों का हनन ना हो सके। वहीं मोड खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे रोजगार सेवकों की खबर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को BDO ने कवरेज करने से रोक दिया। मैं ग्राम रोजगार सेवक संघ से जिलाध्यक्ष बरजोर सिंह हूँ। मैं आज यहाँ पर BDO साहिबा से मिलने आया था, क्योंकि ब्लॉक मोड़ में कई समस्याएं चल रही हैं। जब से नए प्रधान आए हैं, तब से वह अपने तरीके से अपने हिसाब से पंचायत चलाना चाहते हैं और कुछ यहाँ के कर्मचारियों ने उन्हें गुमराह किया है कि बिना रोजगार सेवक के आप नरेगा में काम करा सकते हैं, जबकि शासनादेश है कि बिना रोजगार सेवक के नरेगा में कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि रोजगार सेवक नरेगा के लिए ही चुना गया है। पूरा रीढ़ की हड्डी है रोजगार सेवक, वो उसके बिना ये लोग काम कराना चाहते हैं। बिना रोजगार सेवक की डिमांड लग रही है ब्लॉक में, बिना रोजगार सेवक की मस्टर फीड हो रही है। जब अधिकार है हम लोगों को, तो अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पे। उस हनन को रोकने के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और BDO साहब से ये कहने आए हैं कि जो हमें अधिकार मिले हैं वह अधिकार दिए जाएं, और अन्यथा हमें अधिकार नहीं मिले हम लोगों को तो हम लोग यहाँ काम क्या है, काय के लिए हम लोगों को रखे हुए हैं। तो हमारा ये कहना उनसे कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार दिए जाए, बिना रोजगार सेवक कोई डिमांड ना लगाई जाए, बिना रोजगार सेवक कोई मस्टर फीड ना किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग आगे जाएंगे, आंदोलन करेंगे, फिर आयोग की बहुत लंबी लड़ाई होगी। आज कहाँ ज्ञापन? आज मैंने BDO साहब महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं।